दोस्तों, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में या छोटे छोटे लघु उद्योग में नमकीन किस तरह से बनाते हैं और नमकीन बनाने के बाद किस तरह से पैकिंग करते हैं, ये सब जानकारी आपको ये वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, ये 25 किलो का बेसन है, तो मशीन हमारा आटा गूंथने वाला है। इसके अंदर हमने डाल दिया और अभी तेल पानी जो भी हम डाल देंगे ऑटोमेटिक मैदा रेडी हो जाएगा गूंथा हुआ। 5 से 10 मिनट लगेगा उसी के अंदर। अभी आटा बना रहे हैं, इसके अंदर अभी तेल डालेंगे और पानी डालेंगे। अभी तेल डाल रहे हैं, बेसन पूरा हिसाब से डाल दिया, बेसन डाल दिया। इसके अंदर अभी इसी हिसाब से तेल डाल देंगे और इसके अंदर पानी है, पानी डाल देंगे। कितना साफ सुथरा तरीके से हो रहा है, पूरा हाइजेनिक है बनता है। आपने देखा होगा कि लोग फैक्ट्रियों में जाके पेड़ से आटा गूंथते या कैसे कैसे गूंथते, इसके अंदर पूरा आटा मशीन के अंदर ही आटा गूंथेगा। अभी इसको हम स्विच को चालू करेंगे, वो मशीन चालू हो गया। देखिए, ये आटा गूंथने का काम चालू हो चुका है। अभी 5 मिनट के अंदर ये आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। ये हमारा आटा गूंथने का मशीन है 50 किलो का। इसके अंदर हमने बेसन का आटा और पानी डाल दिया, ऑटोमेटिक आटा गूंथ जाएगा। अभी हम आपको सेव बना के दिखाएंगे किस तरह से बनेगा ये 50 किलो का। 5 मिनट के अंदर आपको आटा, आपको इसके अंदर 5 किलो 10 किलो 15 20 50 कॉपी आटा गूंथने का मशीन चाहिए, जैक्सन मशीन से आपको मिल जाएगा। इसमें सिंपली आपको पानी और तेल ऐड करना, ऑटोमेटिक आटा गूंथ के रेडी हो जाएगा। दोस्तों, अभी हमारा नमकीन का मशीन आपको आगे दिखाएंगे। हमने गूंथा हुआ बेसन ले लिया, अभी हम आपको इलेक्ट्रिक कढ़ाई के बारे में जानकारी देते हैं। ऊपर से सिंपली डालना है, तेल ऑटोमेटिक पूरा भर जाए। जैक्सन का इलेक्ट्रिक कढ़ाई है, यहाँ से ऑटो उसको यहाँ पे स्टार्ट करना है और यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर दिखेगा कितने पे रखना। अभी हमने 200 डिग्री सेट किया हुआ, जो भी आप सेटिंग करोगे वही सेटिंग रहेगा। 220 किया, 220 रहेगा। अभी आप देख सकते हो 3 फेज कढ़ाई है, इसमें सिंगल फेज भी मिल जाएगी, 3 फेज भी मिल जाएगी। अभी हमने चालू कर दिया, 45 डिग्री आया हुआ। अभी फटाफट 10 मिनट के अंदर तेल गर्म हो जाएगा। पूरा स्टील का कढ़ाई बना हुआ है, आप देख सकते हो। और एक शॉक प्रूफ कढ़ाई है। दोस्तों, आप पूछ रहे हैं शॉक लगता है, नहीं लगता है, शॉक लगता है तो थोड़ी चलता है। इसके अंदर आप देख सकते हो 1 मिनट भी नहीं हुआ और तेल गर्म होना चालू हो गया। अभी मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर 220 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा और ना तो आपका टेम्परेचर कम होगा, ना तो ज्यादा होगा, ना तो धुआं होगा, ना तो कुछ होगा। आप आगे पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। देखो, 5 मिनट हो चुका है दोस्तों। 200 अपने स्टार्ट किया था, 127 टेम्परेचर आ गया 220 में से। अभी और 5 मिनट में टेम्परेचर आ जाएगा। देखिए किस तरह से पूरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अभी 5 मिनट में 220 टेम्परेचर आ जाएगा। दोस्तों, ये हमारा जैक्सन का नमकीन का ऑटोमेटिक मशीन है, छोटा वाला 7 इंच का। इसमें 7 इंच 9 इंच जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये जो कढ़ाई है, इसके अंदर 60 लीटर तेल आया, बड़ा छोटा भी मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको टिल्ट वाला चाहिए, पूरा माल टिल्ट हो जाता है, वैसा भी चाहिए तो आपको जैक्सन मशीन से मिल जाएगा। अभी छोटे छोटे लोहिया बना के हमने इस हिसाब से रख दिए। इसके अंदर हम डालेंगे ऑटोमेटिक। अभी भावना देखिए, अभी इस तरह से तेल को हिलाएंगे, घुमाएंगे और यहाँ से जो हमने गोला बनाया नमकीन का, वो नमकीन का गोला मशीन के अंदर डालेंगे। एक गोला इसके अंदर डालेंगे और मशीन को स्टार्ट करेंगे। ऑटोमेटिक इसको घूमेगा और ऑटोमेटिक गाठिया बन जाएगा। ये भावनगरी गाठिया अभी बन रहा है। इसका साइनिंग भी देख सकते हो, कितना बढ़िया साइनिंग आया हुआ है। देखिए, इस तरह से सिंपली इसके अंदर डाल देने का, ऑटोमेटिक गाठिया बन गया। और इसको इसका कट करके इसका निकाल लेना। अभी ये जारा से निकाल रहा है। दोस्तों, आपको जैक्सन मशीन से टिल्ट वाला भी गड़ाई मिलता है, जिसको इस तरह जारा नहीं लाना पड़ता है, ऑटोमेटिक पूरा माल टिल्ट हो जाता है। और इसमें जो खासियत ये है कि पूरा स्टील का कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई में इतना बड़ा गाठिया नहीं बनता है। और आप पहले देख रखते हो कितना धुआं लगता है, इसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं, आप देख सकते हो धुआं नहीं होता है। सकते डीजल वाली भट्टी में कितना धुआं निकल रहा है आप देखिए, और हमारी इलेक्ट्रिक भट्टी में देखिए एकदम बिल्कुल भी धुआं नहीं लग रहा है। और जो फुलावट है गाठिया की, जो लोहे से 3 गुना अच्छा आता है, ना तो आपको तेल काला होता है, ना तो धुआं होता है, उसका जो साइनिंग है वो भी अच्छा आता है। तो जैक्सन की इलेक्ट्रिक कढ़ाई से लेके आप इसका फिनिशिंग देखिए गाठिया का, देखिए ये फिनिशिंग है, ये साइनिंग है। आप अगर लोहे की कढ़ाई में करोगे कभी नहीं आने वाली। दोस्तों, अभी जो ये गाठिया है सिर्फ बनता है जैसा जैक्सन कई मशीन से। दोस्तों, ये जो 9 इंच के मशीन में दोस्तों 150 से 200 किलो आराम से बना सकते हो। आपको 250 किलो 350 किलो भी बनाना है तो हमारे पास 9 इंच का भी मशीन है, 11 इंच का भी मशीन है। जैसा कैपेसिटी चाहिए आप ले सकते हो। गाठिया का फिनिशिंग और क्वालिटी देख सकते हो। इस तरह से आपको पैकिंग का भी सिस्टम दिखाएंगे किस तरह से लोग पैक कर रहे हैं। पैकिंग भी जैक्सन का ऑटोमेटिक मशीन में कर रहे हैं। फिनिशिंग और साइनिंग आप देखो, ये सारा का सारा मशीन जैक्सन मशीन से बना हुआ है। 9 टाइप की जाली हम मशीन के साथ फ्री देते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, बस बेसन का आटा गूंथ के मशीन के अंदर डालना है। ऑटोमेटिक सेव गाठिया जो भी आप बनाना चाहते हो, अभी ये भावनगरी गाठिया, प्लेन गाठिया, तीखा गाठिया, फाफड़ी गाठिया, कुछ भी आप बनाना चाहते हो नमकीन के आइटम में, वो सारी जाली हम आपको देंगे। और सारी एक ही मशीन में आप बना सकते हो। जैक्सन का आप देख रहे हो 32 इंच का कढ़ाई, आपको 18 इंच से लेके आपको जितना 54 इंच 54 इंच तक जितना भी साइज चाहिए जैक्सन की इलेक्ट्रिक कढ़ाई में आपको मिल जाएगा। आपको गैस कढ़ाई भी जैक्सन मशीन के फुल्ली स्टेनलेस स्टील में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इंडिया के कोई भी कोने पे मशीन चाहिए, नमकीन का मशीन, स्टेनलेस स्टील मशीन, पैकिंग मशीन, कुछ भी आपको चाहिए जैक्सन का मशीन से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्वालिटी और फिनिशिंग चाहिए दोस्तों माल के अंदर, तो आप आज ही कॉन्टेक्ट करिए जैक्सन मशीन को, सारी जानकारी आपको दे देंगे। और इस तरह से जाली देखो निकाल देना है, और जैसे नया जाली है इसका इसके अंदर देखो फिट कर देना। इस तरह से हम मशीन में अलग अलग 9 से 10 जाली देते हैं, तो आप इस हिसाब से जाली को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, इस हिसाब से करना पड़ता है, पैकिंग मशीन नहीं है तो आज से इस हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। और इसका पैकिंग भी आप देख सकते कितना बकवास हो रहा है, ठीक है। अच्छा है, आप सीलिंग मशीन से जैक्सन का सीलिंग मशीन ले लो, उससे पैकिंग करो, बढ़िया पैकिंग होगा, जिसमें अच्छा पैकिंग नहीं होगा। देखिए, ऑटोमेटिक सीलिंग पैकिंग मशीन है, जिसमें इस यहाँ पे वेट करने के बाद यहाँ पे सिंपली इसको इस तरह से रखना है। ऑटोमेटिक बेल्ट वाला सिस्टम है, यहाँ से इस तरह से पैक होकर आ जाएगा। मोमबत्ती वाला सिस्टम नहीं है जो बना के ऐसे करना है। देखिए किस तरह से हिसाब से पूरा पैकिंग रेडी हो चुका है। इस हिसाब से पैकिंग मशीन पे आप जैक्सन मशीन से ले सकते हैं। तो अगर आपको ये मशीन अच्छा लगा, ये बिजनेस अच्छा लगा, तो हमने स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके हमारा कॉन्टैक्ट करिए जैक्सन मशीन से। आपको पूरा जानकारी दे देंगे किस तरह से मशीन आप परचेस कर सकते हो, किस तरह माल बना सकते हो। जैक्सन मशीन अहमदाबाद, नवनी देसाई। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।